अच्छे होंगे आप सब उम्मीद है। और दोस्तों अच्छे बने रहो। दोस्तों आज हमारे हाथों में देख रहे हो जो ये क्या है, इसकी सब्जी बनेगी और ये बनाएंगी। देखो ये हमारी मिसेज हैं। और वीडियो देखने से पहले अगर जो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना दोस्तों। घंटों लग जाते हैं मेहनत करने में, वीडियो बनाने में, आप लाइक कर दिया करो, क्या जाता है आपका। ये देखो दोस्तों अच्छी बनती है, हाँ सब्जी बहुत अच्छी बनती है। कैसे बनेगी आपको हम जरूर दिखाएंगे वीडियो में, और वीडियो को जाएगा नहीं छोड़ के, बिल्कुल पूरी देखिएगा। तो आइए हमारे साथ बनते हैं, दिखाते हैं। ये देखो दोस्तों सहजन की फलिया को टुकड़ों में काटा जा रहा है। टुकड़ों में काट के दोस्तों उसको बढ़िया से, देखो दोस्तों उसका जो रेसा जैसा निकलता है इसको छील दिया गया है पहले से, ताकि इसका बक्कल काड़ा ना हो। टुकड़ों में काटा गया ये देखो दोस्तों। ये हमारी मिसिस जी हैं, देखो बना रहे हैं, इसको काट रहे हैं। हेलो बोलो सबको। अरे ऐसे हेलो बोलते हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, सब्जी काटने में व्यस्त हैं अभी। देखो दोस्तों ये आई हुई है, ये ताज़ी ताज़ी पेड़ से तोड़ के लाए हुए हैं, और इस करके अभी हरी हरी जो मार्केट से लाते हैं सब्जी मंडी से, तो हल्की सूखी सूखी होती हैं। ये ताजी बिल्कुल हरी है, ताजी देखो दोस्तों। अम्मा ये देखो दोस्तों सिलबट्टे पे मसाला रखा गया, जो कि प्याज, हरा मिर्च, लहसुन, जीरा, काली मिर्च और भी जो भी डाल सको आप। मसाला रेडी हो चुका दोस्तों, बढ़िया मसाला पीस के। ये देखो दोस्तों ये सहजन की चिया, और इसमें आलू भी डाल सकते हो, हल्के भाप में उबाल लो पानी में, ताकि इसका हरापन जो होता है वो निकल जाए। तो दोस्तों अभी तड़का लगाया जा रहा है मसाले को तेल में बढ़िया से, बढ़िया जब पक जाएगा मसाला दोस्तों तो काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों दो टमाटर डाल लिए ताकि रसा गाढ़ा हो जाए मसाले में, देख सकते हो दोस्तों आप। बाकी आप देखते जाइए क्या क्या इसमें पड़ता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हो मसाले में क्या क्या पड़ता है। तो देखे जाओ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, पक चुका है। अब इसमें हम देखो सारी सब्ज़ी डालेंगे, जो कि आलू और सहजन की छियाँ हैं, आप फलियां भी बोल सकते हो, लैंग्वेज थोड़ी अपनी अपनी होती है। अब इसमें इसको बढ़िया सा हिला लेना है, कलछुल से या चमचे से, किसी चीज़ से भी ले सकते हो। और थोड़ा पानी डाल लो, थोड़ा पानी डाल लिया जाता है, जैसे ग्रेवी चाहिए अपने को, ग्रेवी जैसे आपको चाहिए, ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, मटेरियल के हिसाब से ग्रेवी बना लो। तो देखो दोस्तों हमारी सब्ज़ी पकने के लिए रेडी हो चुकी है। अब हमारी सब्ज़ी धीरे धीरे बस पकने वाली है दोस्तों, आप देख सकते हो आपके सामने ही है। ये देखो दोस्तों हमारी सब्ज़ी अब रेडी हो चुकी है। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं।